हेलो नमस्कार ऑल, मैं ऋषभ जैन बीना मार्बल इंडस्ट्रीज से। आज मैं आपको मकराना लीरा के बारे में बताऊंगा। मकराना में कितने प्रकार के क्वालिटीज़ आती है, उन क्वालिटीज़ में कितने प्रकार के लीरे आते हैं, लीरों की साइज़ क्या होती है, टाइल से ये बड़े होते हैं या टाइल से ये छोटे होते हैं, आज मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। मकराना में मेनली चार क्वालिटीज़ आती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मकराना में अल्बेटा, सेकेंड नंबर क्वालिटी डुंगरी, थर्ड नंबर क्वालिटी मातावर एंड लास्ट क्वालिटी इज़ कुमारी। तो उन सभी क्वालिटीज़ में स्लैब्स भी आती है, टाइल्स भी आती है और उनके लीरे भी आते हैं। टाइल्स का साइज़ तो मेनली 1x1 से लेके 2x2 तक होता है, 2x2 तक, और जो लीरा का साइज़ होता है वो 2x2 से स्टार्ट होता है, जो 24x24 जिसको हम बोलते हैं। तो आपके सामने ये जो रखे हुए ये सभी मकराना क्वालिटीज़ के लीरे हैं, काफ़ी स्टॉक पड़ा है हमारे पास लीरों के अंदर। मेरे पास कुमारी से लेकर चकडूंगरी तक, अल्बेटा तक की क्वालिटीज़ के लीरे पड़े हैं। मैं आपको एक बार सभी लीरों के बारे में बता देता हूँ। ये सबसे पहली जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये मकराना कुमारी का लीरा है। इसका मैं आपको पॉलिश दिखा देता हूँ। इसमें बड़ी से बड़ी साइज़ है मेरे पास। ये जो साइज़ है ये 2.5 फिट की साइज़ है, सॉरी 3 फिट की साइज़ है, सॉरी 3 फिट की साइज़ है, 3x2, 2.25 की साइज़ है। इसमें 3.5, 4.5, 4 और 2 फिट की साइज़ में मिल जाएगा। इसका मैं आपको पॉलिश दिखा देता हूँ। ये इसका पॉलिश है, ये 2 पीस सैंपल के पॉलिश किए हुए रखते हैं हम। ये मकराना डुंगरी ब्राउन के लीरे हैं। ये जो कुमारी के लीरे के पास में जो लीरे पड़े हैं 2 लाइन, ये मकराना डुंगरी ब्राउन के लीरे हैं। इसके पॉलिश नहीं करवा रखा, इसको मैं आपको पानी डालकर दिखा देता हूँ, इसका शाइन और ग्लेज आपको पता लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत माल है, एकदम बारीक क्रिस्टल का माल है और रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल प्राइस में है। अब देखिए क्लियर लाइनिंग का माल है। अब आगे चलते हैं। यह भी मकराना कुमारी का लीरा है, जो आपको मैंने बताया था 2 फिट की साइज़ में। इसको मैं आपको पानी डाल के दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी पॉलिश आती है इसके ऊपर। ये मकराना डुंगरी ग्रे बेस का लीरा है, यह भी 2 फिट की साइज़ में है। अगर 2.25 की साइज़ में चाहिए 2.25 की साइज़ में मिल जाएगा, 2.5 फिट की चौड़ाई में चाहिए तो 2.5 फिट की चौड़ाई में मिल जाएगा। जितना माल चाहिए उतना माल मिल जाएगा। परमानेंट लीरा जो होता है वो परमानेंट हमारा बंगाल जाता है, कोलकाता सबसे ज़्यादा जाता है। महीने का 4 से 5 गाड़ी हमारा लीरा कोलकाता सप्लाई होता है, ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई होता है, लेकिन परमानेंट जो हमारा रेगुलर बेस पे जो लीरा जाता है वो कोलकाता बंगाल जाता है। और ये वीडियो मेनली बंगाल वाले लोगों के लिए है। ये देखिए सुपीरियर क्वालिटी है, एकदम फ्रेश मटेरियल है। माल 100% फ्रेश आएगा, कोई मिक्स नहीं आएगा, पूरा सिमिलर कलर आएगा। आपको दिखा देता हूँ मैं साइड से, पूरा कलर सिमिलर आएगा आगे से पीछे तक, कोई भी दूसरी क्वालिटी का पीस मिक्स नहीं आएगा। ये माता और ब्राउन के लीरे हैं, 2-2 पीस पॉलिश किए हुए हैं आगे के। ये क्वालिटी देखिए बिल्कुल क्रॉस पैटर्न में है। ये 2 फिट की साइज़ में है, 2x2 का लीरा है। पीछे 2.25, 2.5, 3.2 के लीरे हैं। ये देखिए अच्छा ग्लेस है, वाइटनेस अच्छी है, पेंसिल लाइनिंग में है, क्रॉस पैटर्न में है और 2-2 पीस सैंपल के पॉलिश किए हुए हैं और एकदम फ्रेश मटेरियल है। अब ये नेक्स्ट लाइन जो है ये डुंगरी ग्रे का लीरा है, ये 2.5 फिट की चौड़ाई में है और ये पास में 2.25 फिट की चौड़ाई में है। 2.5x2 से लेके 2.5, 3.5, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 तक है हाइट, फुल हाइट तक है और 2 फिट की चौड़ाई में 4.5, 4.5 फिट की ऊंचाई तक लीरा मिल जाएगा।
ये पास में ही डूंगरी ब्राउन का लीरा है, एक बार मैं आपको लेटा कर दिखा देता हूँ। ये इसका पॉलिश देखिए, दो पीस पॉलिश किए हुए हैं। हम मोस्टली लीरों के ही हो या टाइल्स के हो या थप्पियों के हो, सभी के आगे के दो पीस पॉलिश करवा कर रखते हैं सैंपल के हिसाब से, ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि मटेरियल पे पॉलिश कैसा आएगा। ये डूंगरी में लाइट ब्राउन है, एक मेरे पास डूंगरी में वुडन पैटर्न में भी है जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, लाइनिंग में है। ये देखिए, ये 2 फीट की चौड़ाई में है, 2.25 फीट की या 2.5 फीट की चौड़ाई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ये आपको मटेरियल दिखा देता हूँ मैं, पूरा लाइनिंग का मटेरियल है, एकदम फ्रेश मटेरियल है। अब मैं आपको अल्बेटा का लीरा दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको डूंगरी ब्राउन, डूंगरी ग्रे, मातावर ब्राउन और फिर डूंगरी ग्रे 2 फीट की चौड़ाई में, और ये कुमारी, और ये डूंगरी ब्राउन लाइनिंग में, और ये कुमारी, फिर ये मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब मैं चलिए आपको अल्बेटा का लीरा दिखा देता हूँ। ये अल्बेटा के लीरे हैं, अल्बेटा ब्राउन जिसको बोलते हैं, वाइट एंड ब्राउन उस पैटर्न में है। ये देखते हैं, इसमें साइज़ 2x2 से लेके 2.25, 2.5, 2, 3.5, 3, 3.5, 3.5, 4.5 फिट तक है। और भी बड़ा साइज़ चाहिए, 4 फिट का साइज़ चाहिए, 4.25 का साइज़ चाहिए तो मिल जाएगा। वैसे स्क्वायर साइज़ ही ज़्यादा चलता है, 2x2 हुआ, 2.25x2 हुआ, 2.5x2 हुआ, स्क्वायर साइज़ ही ज़्यादा अच्छा लगता है लगने के बाद, और वही ज़्यादा बिकता है। अब मैं आपको चकडूंगरी का लीरा दिखा देता हूँ। तो ये तो हम सेकेंड गोडाउन में है, चकडूंगरी का लीरा फर्स्ट गोडाउन में पड़ा है, तो उधर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम आ गए हैं मकराना चकडूंगरी के लीरों के पास। चकडूंगरी मकराना की सबसे टॉप क्वालिटी होती है, सबसे प्रीमियम क्वालिटी होती है, और जैसा कि आप ये लीरे देख सकते हैं, ये भी प्रीमियम क्वालिटी के लीरे हैं। मकराना को, चकडूंगरी को मकराना की नाक कहा जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये लीरे भी कॉस्टली है। प्राइस मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस तरह की जो भी इंक्वायरी चाहिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और या आप चाहे तो हमारे फैक्ट्री पर, बीना मार्बल इंडस्ट्रीज़ पर विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, और मेरा मोबाइल नंबर भी आपको टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऋषभ जैन नाम से। ये एकदम फाइन क्रिस्टल का मटेरियल आता है। इसकी स्लैब्स स्टार्ट होती है 250 रुपये से, चकडूंगरी की ओरिजिनल क्वालिटी की, डुप्लीकेट की कोई रेट नहीं है। डुप्लीकेट तो आपको 30-40-50 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट में कैल्शियम नहीं आता है, मैं आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेट में सिर्फ आयरन आएगा, और ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर ही 95-99% कैल्शियम आएगा। मकराना की सबसे टॉप क्वालिटी होती है चकडूंगरी, अल्बेटा के टक्कर की क्वालिटी होती है। और ये लीरे आप देख सकते हैं, ये लीरे अभी कल ही आए हैं, इसके 2 पीस पॉलिश नहीं करवाए हुए हैं। मैं आपको पानी डालकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, बेस्ट क्वालिटी लीरे हैं। आगे से पीछे तक पूरा सिमिलर आएगा, कोई भी कलर मिक्स नहीं आएगा, कोई दूसरी क्वालिटी मिक्स नहीं आएगी, ना ही कोई क्रैक पीस आएगा, ना कोई फिलिंग पीस आएगा। फ्रेश मटेरियल की रेट है, और फ्रेश ही मटेरियल है। अगर माल थोड़ा सा महंगा है तो मटेरियल फ्रेश ही मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी ही मिलेगी।
देखिए 2 फीट की साइज़ में है कंप्लीट मटेरियल, 2 फीट की 2 फीट की साइज़ में है, पीछे 2.25 की साइज़ में भी है और 2.5 की साइज़ में भी है चौड़ाई में, लेकिन मैक्सिमम 70% मटेरियल 2 फीट की साइज़ में है। और इसी के पास इसकी टाइल्स रखी हुई है, ये टाइल्स और लीरो का एक लॉट है पूरा। टाइल्स के अलग रेट होती है, लीरो की अलग रेट होती है। टाइल्स जैसा कि मैंने आपको बताया था 1x1 से लेके मतलब 12 इंच बाई 12 इंच से जो स्टार्ट होता है वो टाइल्स होता है, जो 21 इंच बाई 24 इंच तक होती है, मतलब 2 फीट बाई 2.25 फीट तक होती है। और 2x2 की साइज़ जो ये सामने रखी हुई है 24 इंच बाई 24 इंच से जो स्टार्ट होता है वो लीरा होता है, जो कि 4.25, 4.25 या 4.5, 5.2 तक जाता है, मतलब मैक्सिमम साइज़ तक जाता है एक थप्पी की जो साइज़ होती है। और थप्पी के मुकाबले इसका प्राइस 3 गुना कम हो सकता है या 2 गुना कम हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ लीरो और टाइल्स में कभी फिगर नहीं मिलेगा, इसको आपको एक खड़ा एक आड़ा, एक खड़ा और एक आड़ा पैटर्न में ही लगाना पड़ेगा, जिसको पतंग चाल बोलते हैं। आप इसमें बीच में डिज़ाइन दे सकते हैं, ग्रेनाइट डिज़ाइन या ब्रास या डिब्बी कुछ भी दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहे, आपके पास जो बेहतर डिज़ाइन हो। थप्पी में हमेशा फिगर मिलता है इसीलिए थप्पी का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन अगर जिसका बजट नहीं हो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी है, आप 60-70 वाला जो मटेरियल लेते हैं उससे तो मैं समझता हूँ मिलियन टाइम्स बेटर है कि आप चकडुंगरी के लीरे लगा लीजिए। एकदम फाइन क्रिस्टल आएगा, 95-99% कैल्शियम आएगा, और जो पॉलिश इस माल के ऊपर आती है मेरे हिसाब से दुनिया में किसी मटेरियल के ऊपर वो पॉलिश नहीं आती, क्योंकि मकराना की सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे टॉप क्वालिटी का मटेरियल है। ओके, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। बीना मार्बल ज़रूर विज़िट कीजिए।